तो नमस्कार, फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुर्खियों पे एक नजर। तेज बारिश के कारण नोएडा और दिल्ली में जगह जगह जल भराव, तेज हवाओं के कारण पेड़ टूटने की भी मिली जानकारी। इसके अलावा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल एक की छत भी गिरी, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां रवाना हुई, मोर्चा संभाला। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना। नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। महाराष्ट्र सरकार आज राज्य का बजट करेगा पेश। दिल्ली में ओखला फेज 2 की एक फैक्ट्री में लगी आग। दिल्ली में आज बोधी यात्रा निकालेगी यूपी सरकार। राजदूत ने भारतीय आर्मों का किया स्वागत, बोले यूरोप अच्छे आर्मों का हकदार। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से हराया। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 में भारत के संबंध में अनर्गल बातें लिखी गई है। इस रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून, हेड स्पीच और अल्पसंख्यकों के घरों व पूजा घरों के ध्वस्तीकरण का भी आरोप लगाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फटाफट खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार।